नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। यमुनानगर के रेलवे रोड पर स्थित परवीन ढाबा के बाहर खड़ी एक एक्टिवा के चोरी होने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में चोर साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक्टिवा मालिक ने सिटी थाना यमुनानगर में जिसकी शिकायत दे दी है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। यमुनानगर जिले में आए दिन चोरी डकैती लूटपाट जैसे आम बात हो गई है। वहीं ताजा मामला सामने आया है रेलवे रोड पर स्थित परवीन ढाबा से, जहां देर रात करीब 8 बजे हमीदा कॉलोनी निवासी राजेंद्र खाना खाने के लिए ढाबे पर आया था। इतने में जब वो खाना खाकर बाहर निकला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी एक्टिवा वहां पर मौजूद नहीं थी। उसने काफी देर तक एक्टिवा की तलाश की और उसके बाद ढाबे में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें चोर साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक्टिवा मालिक ने तुरंत फुटेज लेकर सिटी थाना यमुनानगर को दी और एक्टिवा के चोरी होने की शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि यमुनानगर पुलिस आए दिन अपराध पर लगाम कसने का प्रयास कर रही है और रोजाना अपराधियों की धरपकड़ जारी है। इसके बावजूद भी अपराध जगत की दुनिया से जुड़े हैं ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस चोर तक कब तक पहुंच पाती है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। कंप्लेंट करते हैं इसकी।